नमस्ते भक्तों, आपका स्वागत। जय श्री दत्त प्रभु की जय। श्री स्वामी समर्थ। 26वें अध्याय में देखा कि दो अहंकारी ब्राह्मण अपना हट नहीं छोड़ रहे। अब आगे जानते हैं। स्वामी ने रास्ते से गुजरने वाले एक सामान्य व्यक्ति को बुलाने के लिए अपना एक शिष्य भेजा। शिष्य ने भागकर उस व्यक्ति को बुला लाया। वो दोनों ब्राह्मण पास ही खड़े थे। उन्हें समझ ही नहीं आया कि स्वामी ने इस साधारण व्यक्ति को क्यों बुलाया। श्री स्वामी ने अपनी डंडी उस व्यक्ति के हाथ देकर उसी डंडी से 7 रेखाएं खींचने को कहा और व्यक्ति ने वैसा ही किया। रेखाएं पूर्ण होते ही स्वामी ने उसे रेखाएं एक एक कर पार करने को कहा। पहली रेखा पार करने से पहले स्वामी ने उसे उसकी जाति पूछी। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, स्वामी मैं मातंग जाति का हूँ। दोनों ब्राह्मणों ने भी ये बात सुनी। फिर से स्वामी ने उसे दूसरी रेखा पार करने से पहले उसे जात पूछी। अब उस व्यक्ति का उत्तर पहले उत्तर से भिन्न था। उसने इस बार कहा, मैं भिन्न जाति से हूँ। तीसरी रेखा पार करने से पहले फिर से उसने कहा, अब मैं कोली जाति का हूँ। चौथी रेखा पार करने से पहले कहा, मैं एक किसान हूँ। पांचवी रेखा पर उसने कहा, मैं व्यापारी हूँ। छठी रेखा पर उसने कहा, मैं क्षत्रिय जाति का हूँ। अब आखिरी यानी 7वीं रेखा पर उसने कहा, स्वामी मैं वेद शास्त्रज्ञ ब्राह्मण हूँ। इस तरह से उसने हर एक रेखा पर अलग अलग जात बताई। आसपास के लोगों को दो ब्राह्मणों सहित आश्चर्य हो रहा था। स्वामी ने उस व्यक्ति से कहा, सुनो, ये दो ब्राह्मण वेद पर चर्चा करना चाहते हैं, इनके साथ चर्चा करो। इतना कहकर स्वामी ने उसकी जीवा पर और शरीर पर भस्म लगाया और दो ब्राह्मणों समक्ष वेद चर्चा करने उसे बिठा दिया। दो ब्राह्मणों को बोलना ही नहीं आ रहा था। 26वें अध्याय में हमने देखा ही है कि उनकी जीवा टेढ़ी हो गई थी। उन्होंने वही स्वामी के चरणों पर साष्टांग प्रणाम किया और माफी मांग ली, क्षमा याचना करने लगे। हाथों से इशारा कर स्वामी को बोल रहे थे। स्वामी ने कहा, तुम दोनों ने विद्वान ब्राह्मणों का मान सम्मान नहीं किया, मेरा कहा भी नहीं सुना, तुम्हें अहंकार था। अब तुम दोनों ब्रह्म राक्षस होकर 12 वर्षों के बाद मुक्त हो जाओगे, तब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं। स्वामी की वाणी सुनकर दोनों ने स्वामी के चरण पकड़े। स्वामी ने उन्हें उनके पिछले जन्म की पाप कर्मों की बातें बताई, इसलिए उन्हें 12 वर्ष सख्त सजा थी, जो पूरे हुए बिना कोई मुक्ति नहीं। अब जो पहले साधारण व्यक्ति मातंग जाति का जो था, उसने स्वामी को प्रणाम कर कहा, स्वामी मुझे शुद्ध कर आप इसी वेद शास्त्रज्ञ ब्राह्मण लोक में मुझे रहने की अनुमति दे, ताकि मैं ब्राह्मण समाज में अपना पग धर सकूं, ब्राह्मणों के कर्म कर सकूं। परंतु मातंग जाति से निकलकर वेद शास्त्रज्ञ ब्राह्मण बनना, ये परिवर्तन नैसर्गिक नहीं था, अर्थात स्वामी की ही लीला थी। जन्म जात से वो ब्राह्मण नहीं था, वो तो मातंग ही था। उसका एक परिवार था, यानी बाल बच्चे घर पर ही थे। उसकी जिम्मेदारी स्वामी पर थी। परिवार को ऐसा ही छोड़कर उसे ब्राह्मण ही रहने दे, ये प्राकृतिक रूप से गलत था, ये बात स्वामी जानते थे। इसलिए स्वामी ने उसे एक लोटा पानी भरकर लाने को कहा, अपने शरीर पर डालने को कहा और जीवा पर उस पानी का स्पर्श करने को कहा। इस तरह से वो अब फिर से पहले जैसा यानी मातंग जाति का लगने लगा। उसे अपनी मातंग जात अब अच्छी लगने लगी। स्वामी ने आशीर्वाद दिया, तू अपना घर संसार सुख से कर। उस व्यक्ति ने भी स्वामी को हृदयपूर्वक धन्यवाद और प्रणाम किया और खुशी खुशी अपने घर लौट गया। जाने से पहले उसने स्वामी से पूछा था, मैं मातंग जाति का ही क्यों बना। अब इसका उत्तर स्वामी ने 28वें अध्याय में दिया है, वो जरूर देखिएगा। 27वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री गुरुवे नमः। जय श्री स्वामी समर्थ। धन्यवाद।